दर्शन भेद से जागृति भेद तो जय प्रमाणित करने का जो कुछ भी बात है तो हम जो दृष्टापद में थे वो तो रहा ही उसको उसमें से बारी बारी में हम जो प्रमाणित करते हैं मानव चेतना विधि से तो दर्शन माने प्रमाण दृश्य रूप में हो जाना। प्रमाण दृश्य रूप में होगा कि नहीं होगा? दृश्य रूप में तो होगा। हाँ, ये है मुख्य बात। दर्शन ये जो तो दृश्य रूप अच्छा है। दर्शन वैसे बाहर से देखते हुए हाँ, जो हम हमको समझ में आया वो दर्शन जैसा हाँ, जो हम दृष्टापद में हैं हम अब कुछ भाग को हमने प्रमाणित किया वो दर्शन वो दृश्य हुआ वो दृश्य हुआ वो दर्शन हुआ दूसरे के लिए ठीक है ना तभी ना बोध होता है दूसरे को नहीं तो काय को होने वाला हमारे जो दृष्टापद से हम जब प्रमाणित करने जाते हैं हम स्वयं दृश्य रूप बनते हैं सामने वाले के लिए ठीक है ना वही दर्शन वही दर्शन जी नहीं दर्शन लिखा क्या लिखा क्या क्या अद्भुत बात है आप सोच वो उसी से समझ लीजिए है ना अब ठीक हो जाता है ना अब ठीक हो जाता है देखो पढ़ो तो अब लिखा है दर्शन भेद से जागृति भेद जागृति भेद से प्रवृत्ति भेद है ना प्रवृत्ति भेद से प्रवृत्ति भेद से प्रमाण भेद प्रमाण भेद से अवधारणा भेद प्रमाण भेद से अवधारणा भेद कैसे बना सामने वाले के लिए दृश्य होता है ना सामने वाले को अवधारणा बनता है अच्छा सामने वाले के लिए है ये प्रमाण भेद से अवधारणा भेद और बन जाती है और अवधारणा भेद से मानवीयता अतिमानवीयता भेद अतिमानवीयता भेद से दर्शन भेद कितना सारे बात एक जगह में है आप देख अब कनेक्ट हो गए ना एक छोटी सी बात से कितना सारे चीज एकत्रित हो गए आप देख जबकि अनुभव पूरा पूर्ण संपूर्ण दृष्टापद में जो बात है संपूर्णता रहता है संपूर्णता रहता है किंतु ये प्रभेद जो है ना मानव चेतना देव चेतना देवी चेतना रूप में प्रभेद होता है उसी का प्रवृत्ति भेद लिखा है प्रवृत्ति वही उपकार प्रवृत्ति में भेद ठीक है उपकार प्रवृत्ति में देवी मानव पूरा पड़ता है देव मानव अधिक होता है मानव जो है ना उपकार करता उपकार बहुत बढ़िया है बाबा ये इस प्रकार की संगीत है ये मानव का पुण्य था ये ऐसा आ गया शायद दर्शन को इस प्रकार से आने का किसके पास कल्पना है नहीं बाबा कल्पना में भी नहीं है नहीं है कितना सारा अनुभव के पक्ष में लिखा है भांति भांति विधि से लिखा है अनुभव और साहस्य दो पक्ष में भांति भांति विधि से लिखा है पहुंचता ये यंत्र पर नहीं पहुंचाएगा ना किताब पहुंचाएगा क्योंकि हम पढ़ते वक्त मतलब एक दृष्टि के समर्थन में पढ़ते हैं वो दृष्टि शिफ्ट हो गई तो पूरा चीज समर्थन शिफ्ट हो जाए सारे संसार बदल गए वही यदि केंद्र से जैसा अनंत कोण है तो एक केंद्र में तो सब जुड़े हैं बिंदु में है ना बिंदु अदृश्य है बिंदु आंखों में दिखता नहीं ऐसे बिंदु में समाई है सभी डिग्रियां एक जगह में जो जुड़ा है वो स्वयं में अदृश्य है उसका प्रतीक रूप बताते हैं वो दृश्य है
जुड़ावा का कहाँ बनता है? दृश्य रूप किंतु जुड़ावा रहता है, ये समझ में आता है। और जैसा एक 45 डिग्री में जो है ना फैलती चले जाती है, 90 डिग्री में और फैल गए, 180 डिग्री में हो गए, हाथे सीधा हो गए, फाकी हो गए ना, ऐसा बनता है। एक डिग्री यदि चेंज हुआ कहीं ना कहीं पहुंचा, वो फिर भी मिलेगा नहीं किसी से, वो अपने आप में ही है। वो एक डिग्री एक डिग्री है, वह दूसरा डिग्री होगा, मिले हैं जड़ में, किंतु वो बाहर निकलने के बाद वो फिर मिलने वाला नहीं है। बिंदु से बाहर होने के बाद कहीं मिलने का जगह नहीं, ऐसा बना हुआ। इसीलिए दृष्टिकोण जो है ना नाम है, दृष्टिकोण बदल गया माने पूरा संसार ही बदल गया। अनंत कोणों में दृष्टि काम करते है, है ना, उसको ला करके अपन बंदोबस्त किया है चार में, चार भाग में, जीव चेतना दृष्टि, मानव चेतना दृष्टि, देव चेतना दृष्टि, देवी चेतना दृष्टि। ये देवी चेतना से मानव चेतना मिलेगा नहीं, मानव चेतना में श्रेष्ठता बनती है तब देव चेतना होता है, देव चेतना में जब श्रेष्ठता बनती है तब जाकर के देवी चेतना होता। प्रमाणित करने में खूबी, क्या खूबी? उपकार, उपकार करने में जो मानव भी उपकार करता रहा, किंतु इससे अच्छे तरह से पूरे तरीके से दिव्य मानव से उपकार करता, वो कल्लापम कर सकता, वो पूरा। दो घंटा भी अपने पास